नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मैं आज बेहद विनम्रता से जुड़ रहा हूं उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब से। यूं तो इंटरव्यू की शुरुआत में कलाकारों के परिचय देने की परंपरा है, लेकिन आज जिस कलाकार से मिलने का सौभाग्य हमें मिला है, उनके घराने और सितार के संबंध इतने समृद्ध और इतने गहरे रहे हैं कि सितार और उनका घराना एक दूसरे का पूरक है। मैं बेहद विनम्रता से स्वागत करता हूं उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब का। उस्ताद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो उस्ताद जी, जैसा मैंने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि आपका जो परिवार है और सितार की जो परंपरा रही, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं, समृद्ध परंपरा है, तो इस विरासत को आप किस तरीके से देखते हैं? लेगेसी और ये जो चीज़ होती है, इसको दो तरीके से इंसान ले सकता है। एक तरीका ये भी होता है कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत फॉर्चुनेट लकी इंसान हैं कि आप ऐसे ख़ानदान में पैदा होते हैं और आपको सात ख़ानदान के साथ जेनरेशंस का एक्सपीरियंस, खून, जीन्स सब मिलता है। दूसरी परेशानी सिर्फ दूसरी तरफ ये है कि एक लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं आपसे, ये बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अलावा बहुत से लोग उस चीज़ का आड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं बहुत बड़े लेगेसी, मैं बहुत बड़ा घराना है भैया, अरे बाप रे बाप, देखो मेरा घराना, देखो मैं खलीफा हूँ, मैं घराना। अरे घराना और खलीफा का क्या फ़ायदा? अगर आप स्टेज पे चढ़ के, तब तो आप अकेले हो जाते हैं। जब कोई शुजात को सुन रहा होता है, नो वन केयर्स आप बाप कौन है, दादा कौन है, क्या घराना है। आप मुझे खुश कर सकें तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकें तो गड़बड़ है। सो इट इज़ अ बिटर स्वीट थिंग, दोनों तरफ से उसको देखा जाता है। मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि अच्छा है इंसान के ऊपर प्रेशर हो, तभी वो कुछ आगे बढ़ सकता है, वरना कोई क्यों कुछ करेगा। We'll be right back.
अच्छा उस्ताद जी, इस इंटरव्यू की एक रवायत है कि हम बचपन के बारे में बात करते हैं और बचपन के बारे में ये नहीं पूछते हैं कि रियाज कैसा था या कितने घंटे का था, बल्कि पूछते ये हैं कि शैतानियाँ क्या करते थे। तो ज़रा हमें बताइए ना कि क्या याद आता है, कितने शैतान थे आप बचपन में? सभी की जैसे वो थोड़ी बहुत ही जैसे सबकी थी, वो जो हम लोग भी करते थे, छेड़ा उसको, देरा उसको, छुपाया उसको, ये किया उसको, बदमाशी करी, ये सब मेरा ख्याल है सबके बचपन में एक ही जैसा होता है। मेरा बचपन थोड़ा अलग था भाई, हम लोग बहुत दूर रहते थे, शिमला में रहते थे और स्कूल था, तो मेरे पास शैतानियों का टाइम थोड़ा कम था क्योंकि 9 से 2 तक स्कूल होता था, उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट्स खेलते थे, फिर घर आके थोड़ा सो जाते थे, फिर रात भर रियाज करना है, फिर थोड़ा सोना है, तो शैतानी बदमाशियों का टाइम कम। मगर वो बाद में जाके एज आई ग्रू अप तो वक्त मिला, शैतानी भी करी, बदमाशियाँ भी करी, छेड़खानियाँ भी करी, ये एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें बहुत हम लोग सभी जैसे सब करते हैं, वो होता रहता था। मगर मैं ये नहीं कह सकता आई वॉज अ प्रैंकस्टर, जैसे कुछ होते हैं तो तैयार हो तो तैयार ही रहते हैं कि किसी को क्या छेड़े, और स्पेशली किसी को ऐसे तरह कुछ करें या छेड़ें जिससे किसी को तकलीफ हो। देर इज़ अ वेरी थिन लाइन, लाइन बहुत छोटी है कि आप किसी के साथ हंस रहे हैं या किसी पे हंस रहे हैं। तो खैर, तो दिस इज़ अ जैसे सबका है वैसे ही हमारा भी। अच्छा उस्ताद जी, जब स्कूल बचपन की बात चल रही तो स्कूल का जिक्र भी आता है। स्कूल में लोग जानते रहे होंगे कि आप इमदाद खान साहब के परिवार से आते हैं, विलायत खान साहब आपके पिता हैं, तो क्या कोई अतिरिक्त फरमाइश होती थी कि आज जरा सितार बजा के दिखा दो या आज कोई गाना बजा के दिखा दो? कैसा था स्कूल के दिन, कैसे थे? आप अगर अपना स्कूल दिन याद करें आपको पता लगेगा बच्चों को कोई परवाह नहीं है आप किसके हैं, बच्चे हैं कोई, आपका बाप दादा कोई, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं। चिल्ड्रन हैव नो फिल्टर। तो मैं ऐसे भी, मेरा स्कूल शिमला में था, मैं बिशप कॉटन में था, तो मैं, मेरे वालिद साहब शिमला चले गए थे ताकि मैं एकांत में म्यूज़िक को फॉलो कर सकूँ ना, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, आउटिंग ये सब नहीं था, नहीं करके, ताकि एक नींव बन जाए, उसके बाद तो खैर ज़िंदगी में बाहर निकलना ही है। स्कूल में भी कुछ चंद टीचरों को मालूम था कि मैं किसका बेटा हूँ, मगर आई हैड नथिंग टू डू विद म्यूज़िक। स्कूल में पढ़ाई किस तरह मुश्किल से पढ़ाई होती थी, उसमें गाली खाते रहते थे क्योंकि पढ़ते नहीं थे ठीक से। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी तो हर नियरली सभी कुछ करते थे, तो वो थोड़ा रिडीम हो जाता था। मगर जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, ना किसी को मालूम था, ना किसी को मुझे कहता था, वो आखिरी में होता है कि भैया एक बजा दो, मगर स्कूल में सितार बजाता है क्या लेना देना किसी को। सो आई थिंक देर वॉज नो स्पेशल ट्रीटमेंट और डिफरेंट ट्रीटमेंट क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन एक मामले में आपका बचपन रहा होगा अलग ज़रूर, क्योंकि जो उस दौर के बड़े कलाकार रहे होंगे, चाहे उस्ताद आमिर खान साहब हों या भीमसेन जी हों, मतलब उनका जो आपके परिवार में आना जाना रहा होगा, उससे जो आपने सीखा होगा, उससे जो संगीत की समझ डेवलप हुई होगी, वो बिल्कुल अलहदा होगी, वो बिल्कुल अलग होगी, बल्कि कहना चाहिए वो बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की होगी। अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट, प्लीज़ इसको आप गलत ना लेके जाइए, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो मैं गाना बजाना करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, इनके दिल को लगता है, खुश होते हैं, उसका श्रेय और बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट उस ज़माने के, हर आर्टिस्ट आके विलायत खान साहब के साथ मेरे घर पे रहते थे दिना दिनी, हफ्ते हफ्ते, और मैं उनको बैठ के सुनता था, उनकी बातें सुनता था, उनके तरीक़ा सुनता था, उनका दिमाग देखता था, उनका गाना बजाना सुनता था। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है आज हिंदुस्तान में मेरे युग का जिसने इतने सारे आर्टिस्टों के साथ महीनों, सालों, हफ्तों गुजारा है। भीमसेन जोशी जी मिल गए लंदन में, अरे मैं इंग्लैंड में 10 दिन हूँ, तू क्या कर रहा है? कि मैं वापस हिंदुस्तान जाने वाला, नहीं 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 चलो मैं गाड़ी से इधर उधर घूमना है, तो मुझे उनको चलाते फिर रहा हूँ 1 हफ्ता 10 दिन उनके साथ गाड़ी में घुमा रहा हूँ, होटल में चेक इन कर रहा हूँ, उनको रह रहा हूँ, उनके साथ प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक एक चीज़ें उनकी सुन रहा हूँ, वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उस्ताद आमिर खान साहब का मेरे घर पे आना, बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ छोटा सा मैं, मेरे वालिद साहब के साथ उनके पास जाना, मैं कितने नाम लूँ कि जिनके साथ हम लोग ने बेबाह वक्त गुजारा है, और वही चीज़ें हैं जो आज मेरे गाने बजाने में नज़र आती हैं लोगों को, और वो आह वाह वाह सब करते हैं,
So most of it is because I had that opportunity. और भीमसेन जोशी जी से तो शायद आपका इसलिए भी ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा होगा क्योंकि आप दोनों लोग का शौक एक ही था, उनको भी गाड़ी का बहुत शौक था और आपको भी गाड़ी का बहुत शौक है। जी ऐसा भी बनता होगा, बिल्कुल सही हो, सभी होता है, वो भी था, मगर मैं क्या बताऊँ, बहुत स्ट्रगल का वक्त जब से निकल रहा था, मैं कोई सुनता नहीं था मुझे, बड़ी तकलीफ की बात थी, पता नहीं ये अरे भैया दूसरों को दे दो, बुद्ध देते हैं शायद है ये सब, ये बेचारे इन लोगों को प्रोग्राम शुजात के लिए क्या हो, तो विलायत खान का बेटा है और गाड़ियाँ हैं घर है। उस वक्त तकलीफ़ के टाइम पे भीमसेन जोशी फ़ोन करके, अरे भैया तुम बहुत दिन से नहीं बजाए हो, इधर आओ सवाई गंधर्व में बजाओ, मैं बजा रहा हूँ। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लोगों ने चिल्ला चिल्ली शुरू करी, तो मैंने ऐसे घड़ी दिखाया, मैंने बोला भाई टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, दूसरों का वक्त नहीं लेना चाहिए। तो सामने बैठे हुए किसी को भेजा अपने स्टूडेंट को, तो स्टेज पे आया, मैंने क्या हो गया, कह देखे भीमसेन जी तुम्हारी घड़ी मंगा रहे कि घड़ी मत दिखाओ, आराम से गाना बजाना करो। इस किस्म का प्यार और साया और मार्गदर्शन जिस इंसान के ऊपर हो, वो ग्रेट आर्टिस्ट बने या ना बने, सक्सेसफुल बने ना बने, मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है इन लोगों के प्यार से। उस्ताद जी इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कोई भजन जो आप हमें सुनाना चाहें गुनगुना कर। मन लागो मोरे यार, मन लागो मोरे यार, फकीरी में मन लागो मोरे यार, धन माया जब साथ नहीं हो, झुकते सब मजबूरी में मन लागो मोरे यार, मन लागो मोरे यार। तो गाना तो बड़ा सरल है, मगर उनसे सीखने को मिलता है, उन लोगों से सीखने को मिलता है कि आप उसको फील करो, उसको महसूस करो, तब पता लगाएगा तुम्हें क्या हो। तब तो आजकल के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके बहुत बड़े बच्चे हैं, वो तो घर में ही बड़े बड़े घरों में पले हैं और नौकर चाकर है, गाड़ी घर है, उनको कैसे मालूम कि वो फकीरी के गाना गा रहे हैं। जब हम लोग घर से निकले, हम लोग पार्क के बेंचेस में सोए, बेघर से बेघर रहे, दो दस दस दिन रोटी मुश्किल से मिली, कभी किसी दोस्त ने खिला दिया, कभी किसी ने खिला दिया, ये जब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है तो पता लगता है कि अंदर जाके तकलीफ़ क्या होती है, देन आई कैन सिंग अबाउट इट ना। तो हर चीज़ को महसूस करते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठ के भी पता लगता था कि इन लोग कैसे कैसे रास्तों से गुजरे हैं कि वो उसको महसूस कर सकते हैं जब वो गाते हैं। आपने एक एक बहुत बड़ा फैसला लिया, आप पिता की उस लेगेसी से बाहर निकले, और आप अभी भी कहते हैं कि आप घराने का टैग लेके नहीं चलते, जो आपने इंटरव्यू की शुरुआत में भी कहा। तो वो जो फैसला था कि उस लेगेसी से बाहर निकलना है, उस आपने संघर्ष किया, आपने खुद बताया, तो उस फैसले के पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह थी कि मेरी मेरे बाप से बनती नहीं थी, सिंपल। मेरे वो मेरे गुरु थे, और जहाँ गुरु का बात आता था और उनके गायकी का बात और उनके गाने बजाने का बात था, वो मेरे खुदा हैं। तो उसमें कोई बात ही, देयर इज नो टू वेज। वो उन्होंने बोल दिया दिन अभी अभी, ओ भैया अभी रात है, अच्छा जी रात है, ख़त्म। मगर मैं भी बहुत स्टबर्न, सख्त, वॉलेटाइल किस्म का इंसान हूँ, तो जब बड़ा होने लगा, मैं क्लैशेस ज़्यादा बढ़ गए, हर चीज़ उनकी मैं मानने को तैयार नहीं था, और उनके आसपास जो लोग उन्होंने आ गए थे वो सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाले, जैसे बड़े आर्टिस्टों के होते हैं, और मैं उस हाँ जी में नहीं शामिल हो सकता था, इसलिए उनको मुझसे तकलीफ़ होती थी, मुझे उनसे। तो मेरे लिए मैं ऐसे छोड़ के नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने थोड़ा काम निकला है, एक महीने का कहीं तो 6 महीने चले गए, 15 दिन का निकला तो 3 महीने बाद, और फिर उधर से उधर, उधर से उधर। तो बेसिकली आई सेपरेटेड माई सेल्फ कि मैं, मुझे पैसे का शौक़ नहीं है। इतना ऊपर वाले ने मेरे औकात और हैसियत से ज़्यादा दिया है कि मैं बहुत कंफर्टेबली जीता हूँ, मेरी बीवी है,
वो सब ध्यान रखती है मेरा, बस मुझे खाना अच्छा मिल जाए, मुझे कपड़ों वपड़ों का शौक़ नहीं है, मुझे मेरे पास 8 कुर्ते हैं, वो भी या तो काले या तो क्रीम। बड़ी शर्मिंदगी होती है दूसरे आर्टिस्टों को जो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, सिल्क पहन रहे हैं और इतने बड़े बड़ी कढ़ाई है और इतने बड़े बड़े सोने के चेने हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास कोई कोई ज्वेलरी नज़र आ रही है आपको? तो वो मुझे लगता है बहुत से आर्टिस्टों को देख के लगता है कि ये तो अपने बीवी के सारे ज्वेलरी यही पहन के आया है, तो बीवी क्या पहनी हुई होगी घर पर। अरे क्या तुम आर्टिस्ट हो? तुम कोई कोई ड्रामा में राजा का तो रोल नहीं प्ले कर रहे हो ना? व्हाट आर यू डूइंग? इज देयर अ लिमिट? और इसलिए कर रहे हो कि आप मेरे को इम्प्रेस करो कि आप इतना अमीर हो। क्यों पहनता है इंसान सोना? क्यों पहनता है? इसलिए पहनता है ना। औरतें अच्छे लगती हैं, वो अपने तिलक हैं हमारे घर की, वो पहने ओढ़े अच्छा लगता है। आप कितना पहनोगे? आपने अंगूठियाँ पहनी, ठीक, ये समझदार है ना, एक अंगूठी होती है, कुछ होता है, कुछ स्टोन होता है, पतली सी चेन, इतना बड़ा बड़ा सब बप्पी लाहिरी होके घूम रहे हैं, एक हद होती है, हद होती है। तो ये एक आपकी इडियोसिंक्रेसी है कि आप देख, आपके अंदर कोई कमी है कि आप अपने आपको, आप मुझे इम्प्रेस कर रहे हो अपने कुत्तों के रंग और कस्से से, ये कोई बात नहीं है। सो आई मीन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बाहर निकल के ये हुआ कि नॉर्मल ज़िंदगी क्या है, मुझे लोग कैसे परसेप्शन करेंगे मेरा, और मेरा गाना बजाना समझेंगे या नहीं, और मैं दुनिया में घूमूंगा, अलग अलग चीज़ें करूंगा, लोगों से मिलूंगा, और गाना और म्यूज़िक मेरा एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, मगर ज़िंदगी में सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, मेरी फैमिली है, दोस्त हैं, ट्रैवल करता हूँ, मेरे कुत्ते हैं, मुझे अलग अलग चीज़ों का शौक़ है। तो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लाइफ इन एज बींग शुजात खान, और उससे अजीब अजीब चीज़ें हुई, ह्यूमिलिएशन हुए, पुट डाउन, शर्मिंदगी लोगों ने महसूस करवाई, तकलीफ़ दिया, पैसे की तकलीफ, मगर अच्छे अच्छे लोग भी मिले, हंसे बोले, दुनिया देखी, ऐसी ऐसी जगह मैं गया हूँ जहाँ आर्टिस्ट का बाप भी नहीं गया हो, ऐसी ऐसी जगह, साइबेरिया में कौन गया है? कोई क्लासिकल आर्टिस्ट को निकालो जी आप, साइबेरिया में, लेक बाइकाल में, मंगोलिया में, कहाँ का प्रोग्राम करके, मगर ये ऊपर वाले का ये उस वक्त का था कि टाइम निकाल के आई वॉज एबल टू सी ए डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट आई वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज विलायत खान साहब को तो मैं बेटा ही हूँ, और उनके साथ मैं आखिरी दिन तक उनके साथ था, उनके साथ गाना बजाना किया, उनके साथ अस्पताल में रहा, सो दैट इज़ ऑल डिफरेंट, मगर उस वक्त सेपरेट होने का ये रीज़न था। अच्छा उस्ताद जी, चूँकि बात चल रही है विलायत खान साहब की, तो जितना मैंने पढ़ा है, मैंने ये पाया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो गुरुओं को बहुत सख्त माना गया है, वो एक तो अलाउद्दीन खान साहब और दूसरा विलायत खान साहब। तो अलाउद्दीन खान साहब के यहाँ परिवार में तो किसी से मिलने का मुझे सौभाग्य अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वाकई बहुत सख्त थे विलायत खान साहब? ये तमाशा बनाते हैं लोग इमेज क्रिएट करने के लिए, बाबा बाबा अलाउद्दीन तो बहुत गुस्से वाले थे, किसने आपने देखा है? इसीलिए मैंने कहा कि मुझे देखा तो किसी ने, जब नहीं देखा और आप उनके घर के अंदर तो थे नहीं, तो कह रहे ओ शिव कुमार शर्मा जी बहुत सीरियस हैं। अरे वो उनका पर्सनैलिटी है, मगर जब वो घर पे बैठते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हंसते हैं, बोलते हैं, आपको जोक सुनाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या सेंस ऑफ ह्यूमर और क्या शार्पनेस है उस इंसान की। तो ये सब एक इमेज क्रिएट, वो बहुत गुस्से वाले थे, और गुस्सा तो ठीक है, तो गुस्से वाले मेरे बाप थे, मगर उनको उस चीज़ पर गुस्सा आता था दूसरों के बेवकूफ़ी पर। He did not suffer fools very easily. ये था, मगर बहुत generous, बहुत हंसमुख, बहुत मज़े करते थे, बेहद बेहद तफरीबाजी, घूमना फिरना, हंसना बोलना, और उनको अच्छा लगता था उनके आसपास हर वक्त हंसी खुशी चल रही हो। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट, अरे भाई अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, कोच स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो लोग प्रैक्टिस करेंगे, मगर म्यूज़िक के अलावा वेरी नॉर्मल फन लविंग पीपल। भाई साहब मैं किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा जो निरा सिर्फ बिल्कुल फिरौन पागलपना है, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, ये हमारे आर्टिस्ट भी अपने ये ऑरा क्रिएट करने के लिए, मैंने तो इतना मुश्किल से सीखा है, हमारे बाल बांध दिए पेड़ पे और इतनी मार खाई हमने और वह जूते खाए और भूखे मरे। अरे भैया अगर इतने मर रहे हो तो आर्टिस्ट क्यों बन रहे हो? म्यूज़िक चले जाओ, लोगों को डरा क्यों रहे हो?
किसी भी फील्ड में, आज उसैन बोल्ट को ले लीजिए, तेंदुलकर को ले लीजिए, सुबह 4 बजे उठ कर ठोक 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 सारे दिन कर रहे हैं धूप में, सारे दोपहर को 4 बजे, वो आदमी उसको भी आप बोलेंगे नहीं, अरे मैंने इतना मुश्किल से, अरे अपने लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, गाना बजाना करो, मस्ती करो। एंड ये लोग बहुत ग्रेट लोग थे, बहुत मस्ती लोग थे। आपने मैं अगर गलत नहीं हूँ तो फिल्मों में भी काम किया, और आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो कैसे थे वो दिन और किस तरह से याद करते हैं आप उन लोगों को? मैं डिटैच नहीं हूँ उससे और करना चाहता भी नहीं, मुझे फिल्म का म्यूज़िक बहुत पसंद है, उनके जैसे जीनियस 3 मिनट में क्या क्या करने हैं उसका एक एक अलग ही हद है, उनको 2 घंटे मिलते ही नहीं एक राग पेश करने का, तो और किस किस चीज़ों का, और कितने हंसमुख और कमाल के लोग, क्या जीनियस लोग, मैं अभी तक याद करता हूँ और उनको अपने साथ रखता हूँ। मेरा मौका नहीं मिलता जाके अब बैकग्राउंड में काम करने का, ठीक है, मगर वो वक्त भी मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम टाइम था, सम वंडरफुल वंडरफुल मोमेंट्स, मैं क्या ही बताऊँ, और इतने दिलदार और इतने अच्छे लोग, आर डी साहब हैं, किशोर साहब हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको कई को हम लोग दूर से देखते थे, हम लोग तो सितार के पीस बजा के निकल जाते थे, मगर बहुत प्यार, और मैं उस वक्त भी शुजात खान होकर ही चलता था, ज़्यादा लोगों को, आधे लोगों को मालूम भी नहीं था मेरा क्या लीनीज है क्या है, हाथ अच्छा था, लोग मज़े लेते थे, और उनके सिर्फ ग्रेटनेस दिखता था, मुझे बहुत बहुत याद आते हैं वो लोग, क्या बात थी, और क्या जिन्होंने आर डी बर्मन साहब ने एक रिवोल्यूशनराइज कर दिया है एक हमारा गाने बजाने का, फिल्मों का तरीका और सोचने का तरीका, ये सब ए आर रहमान साहब अब हैं, ये सब उनके तोहफ़े में, उनको फॉलो करके आए हैं, क्या बात है। तो उस दौर का कुछ गुनगुनाते भी चलिए। अब देखिए, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, आर डी बर्मन साहब को सुरों, लगे लगे सुर का एक बहुत उसके साथ खेलते थे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, तो सा गरे सनी मा पानी गरे सा मा पारे मा गरे सा। तो ये तीवर गा और तीवर निखात जो लग रही है ये उन्होंने शुरू किया कि नारा ना है बेवफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया, फिर वापस कोमल गंधार पे, क्या बात है और क्या कमाल उसके उस चलन चलते थे, मैं क्या ही बताऊं, तो मेरे बहुत बड़े आइडल हैं। जब आप फिल्मों के लिए गा रहे थे, बजा रहे थे, और क्या कभी इस बात का विरोध हुआ, क्योंकि आप एक बहुत ऐसे परिवार से थे जहां जो पॉपुलर और प्योर की लड़ाई रहती है क्लासिकल म्यूजिक में कि ये तो प्योर फॉर्म है, हम तो नहीं बजाएंगे फिल्मों में, फिल्मों को हीन दृष्टि से देखना है, हेय दृष्टि से देखना है, वहाँ तो कुछ बहुत ही खराब होता है, आपको कभी इस तरह का विरोध घर में या घर के बाहर कभी किसी ने ताना मारा कि ये क्या कर रहा है, किस परंपरा से आता है और कर क्या रहा है, ऐसा कभी हुआ? ये चीज़ कमाल है ना भाई साहब, फिल्मों के हीन, फिल्मों को हीन दृष्टि से देखते हैं मगर वही लोग फिल्में भी देखते हैं, ठीक है, आप हीन दृष्टि से क्या देख रहे हैं, अगर लड़कियां कपड़े उतार के स्क्रीन पे डांस कर रही हैं वो बुरा है, मगर अल्फाज बुरे होते हैं, तर्ज तो बुरी नहीं होती। मैं तो रास्ते जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तेरे को मिर्ची लगे तो ये ठीक है, मगर एक डगर चलत मुसकीनी रार, जात रही सब सखियन साथ, डगर चलत मुझसे ये भी एक तरीका, मैं जा रहे थे मुझे छेड़ रहे थे, एक वो तरीका है, एक ये तरीका है, तो देर इज़ एन ऑप्शन। तो मेरे वालिद साहब ने कभी मेरे को मना नहीं किया, क्योंकि वो फोक म्यूज़िक को सितार पे लाने वाले भी वो थे, भटियाली से शुरू किया था उन्होंने 1950s, लोग कहते थे, लोग जल्दी से, अरे ये क्या कर रहा है विलायत खान, गाता क्यों है विलायत खान, फोक म्यूज़िक क्यों बजा रहा है, आपको नहीं पसंद ना तो आप उठ के चले जाओ, सुन भी रहे हो, ताने भी कस रहे हो, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं बोला, अरे अरे बेटा ये भी म्यूज़िक है, उन्होंने कभी नहीं कहा, लाजो लाजो बना, उससे आज तक है विलायत खान साहब ने, वो तो कटिंग्स रखते थे मेरे,
अरे यार ये मैंने सुना, बड़ा तूने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, देखो बहुत अच्छी बात करी है ये, ऐसा क्यों बोला तूने ये, अरे छोड़ इतना नाराजगी में मत बोल, यू नो। तो मगर लोग आज भी ताने कसते हैं, आज भी उससे ना नहीं, अभी भी ओ शुजात भाई बजा रहा, चलो यार सुनने चल भाई, अच्छा देखो ज़रा उनसे पता लगाओ आज वो कव्वाली करेंगे या सितार बजाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग? आपको नहीं पसंद तो मेरा पहला जो एक डेढ़ घंटे में राग बजा रहा हूँ वो तो सुन लो, उसमें कोई कमी निकालो, उंगली रखो कि हाँ ये तो गलत है, निकालो उसमें, तुम उंगली नहीं रख सकते। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, अगर मेरे को आपका शर्ट का रंग नहीं पसंद, पैंट नहीं पसंद, तो कोई पूछे क्यों नहीं पसंद, एक बहुत अच्छा मरून रंग का शर्ट है और ब्लू पैंट्स है, क्यों नहीं पसंद आपको? आशा जी के साथ भी आपने एक एल्बम की, तो मैंने सुना है कि उसमें आप लोग की जो लाइनिंग्स थी वो अलग अलग रिकॉर्ड हुई थी, या आप लोग एक ही लाइन को अलग अलग तरह से अटेम्प्ट करते थे, क्या है ये कहानी, थोड़ा सा बताइए हमें। करते थे मगर सब साथ में गाया हम लोग ने, सब लोग एक साथ स्टूडियो में, एक साथ टूर करना। अब फिर वही बात है भाई साहब, मैं क्या बताऊं, ऐसे लेजेंड और इतने ग्रेट लोग के साथ, सिर्फ उनके साथ बैठना, उनके साथ हंसना बोलना, उनके साथ गाना बजाना करना, वो हमारी तारीफ खुश होती थी। स्टूडियो में देखा है 3-4 दिन स्टूडियो का खाना खा रहे हैं, घर से खाना बना के लाना, दिल्ली आके मेरी बीवी को, परवीन चलो भाई मुझे साड़ी दिलाने ले चलो, ऐसे बड़े लोगों के साथ इतना वक्त गुजारना और इतना थोड़ा सा वो प्यार उन्होंने हमें जो उस वक्त हम लोग साथ में बहुत रहे जो दिया है, ये मेरे नसीब की बहुत बड़ी चीज़ें हैं। बहुत लोगों को नसीब ने, आजकल जबान लोगों की कहाँ चली जाती है, अभी कुछ दिन पहले बुद्धिदित्य साहब और सितार बजाते हैं, तो 3 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा है और मेरे पास रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया कलकत्ते में, कि विलायत खान साहब ने एक किसी के घर गए थे और उनका सितार उन्होंने ले लिया और ले गए और वो कभी वापस नहीं दिया, और वो सितार बहुत अच्छा था इसलिए वो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट बन गए। कैन यू इमेजिन अ पर्सन हैज़ नो शेम, मिस्टर मुखर्जी हैज़ नो शेम टॉकिंग अबाउट, जिनके तुफैल से, जिनके वजह से ये खाना खा रहे हैं, जिनके घराने के घर पे इनके बाप मेरे दादा के शागिर्द हैं, वो जब उस्ताद विलायत खान साहब मर के चले गए हैं, तब तुम ऐसी बात कर रहे हो कि विलायत खान साहब बने क्योंकि उन्होंने सितार चुरा लिया था। कैन यू इमेजिन दिस? बात क्यों इधर पहुंची? बड़ों की इज्जत, ये एक नीचता है। अगर तुम बड़े और स्पेशली वो जो इस किस्म के लेजेंडरी काम करके चले गए हैं, उनमें तुम खोट निकाल रहे हो कि ये इतने बड़े आर्टिस्ट बने क्योंकि उन्होंने चुराए हुए सितार से बजाए, आई मीन देर इज ए लिमिट टू स्टूपिडिटी। अगर अपने, हमारी सभ्यता कहाँ है? अगर हम, ठीक है अगर हमारा बड़ा है उसकी 19-20 है, कुछ भी है ठीक है, मगर किसी को तुम बोल रहे हो चोर, मैं आमिर खान साहब को, भाई आमिर खान साहब बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ आता तभी क्योंकि गाते थे क्योंकि वो तानपुरा उन्होंने मेरा रख लिया था, इट्स रिडिक्यूल। तो गोइंग बैक टू आशा जी, आई मेरे को इतना बुरा लगा कि इतने मायना सितारे थे दुनिया के, जब जिंदा थे तब क्यों नहीं बात करिए? तो अब आमिर खान साहब मर गए हैं तो मैं उनके बारे में कुछ चीज़ उठाऊँ? और कितने तुम क्या हो कि तुम सूरज को उंगली दिखा रहे हो और उस सूरज को जिसके घराने का तुम खा रहे हो? तो आशा जी जैसे जिस लेजेंड्स हैं, इनके साथ बैठना कितनों को नसीब होता है? उनके साथ हम खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, हाथ पकड़ के हम लोग हाँ हाँ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रह जाएंगी भाई साहब। दिस इज़ वॉट मेक्स शुजात खान, हिज एक्सपीरियंसिस of what he has seen, what he has heard, what he has touched, what he has learned. और जो लोग दूसरों की बेइज्जती, बड़ों की अंदर खोट ढूंढने लगते हैं, वो देखो नो ब्रेन, क्या बताएं? उस्ताद जी लाजो लाजो के बिना तो बात अधूरी रह जाएगी, और लाजो लाजो तो मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि अब भी क्लासिकल और फोक म्यूजिक के जो एल्बम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम है। लाजो लाजो हाय लाजो लाजो, लाजो लाजो हाय लाजो लाजो,
बड़े जाते दा बमरे ठाला जो वा बेला जो मारे ला जो ला जो। तो भाई यार बहुत दफा सुन लिया है, मुझे तो अब शर्म आती है ये चीज गाते। अच्छा उस्ताद जी एक सवाल मेरा और है कि कुछ गजलें जो हैं जो मंच से बहुत पॉपुलर हुई, मंच की गजलें हैं, उनको गाया गाने का अटेम्प्ट शायद कलाकार कम ही कर पाता है, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट किया। जैसे मुझे हाल में जो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, और वो गज़ल थी कृष्ण बिहारी नूर की, जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, तो उसके पीछे का थॉट क्या था? आप तो बहुत डीप चले गए, मेरी इतनी दूर सोच नहीं है। मैं कोई सूफी की चीज़ बजाने वाला हूँ या कोई फोक गाने वाला हूँ, उसके पहले अगर मुझे दो चार लाइनें कोई अच्छे शेर की या अच्छी कविता की याद आती है उसको पढ़ देता हूँ बस। देर इज़ नो प्लान। अगर ये ऐसी चीज़ है जो करोड़ दफ़ा लोगों ने सुनी है या बिल्कुल फ्रेश है, मुझे अल्फाज अच्छे लगने चाहिए और मैं गायक नहीं हूँ। आप जब भी मैं गाता हूँ आप सुनिएगा, उसमें कोई ये सब तो नहीं करता हूँ, निरेगा मजा नहीं रहता नहीं दबा मारेगा ये सब नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपको अल्फाजों की खूबसूरती सुना रहा हूँ। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। अब ये देखिए, अब ये जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, ये तो नहीं किया ना। सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ अल्फाज सुना रहा हूँ जिसमें दो चार सुर के तर्ज है, फिर सितार पे बजाता हूँ और फिर आगे चले जाता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स ऑल्सो। रिदम में ब्यूटी है, मेलोडी में ब्यूटी है ही, मगर अल्फाज में भी ब्यूटी है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपको। मैं बेसुरा आर्टिस्ट हूँ, मैं मुझे कोई गाना वाना नहीं आता, वैसे मैं दो चार लाइनें सुना के फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैंने कभी गाने का प्रैक्टिस नहीं किया, कभी नहीं सीखता था, हम लोग गा के सीखते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इट, हमारा ऐसा कोई डीप ख्याल नहीं। उस्ताद जी मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब हम अब नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड की जो फैमिलीज हैं वहाँ के बच्चे को अगर हम पुश करें कि एक पाँच साल के बच्चे को हम कोशिश करें कि आज उस्ताद शुजात हुसैन खान बजा रहे तो उसे भी सुन, और आप कोई राग बजा रहे हैं और उस राग को बजाने से पहले अब मैं आपको हटा रहा हूँ, एक एक्स कलाकार को ला रहा हूँ और उसने ये कहा कि मैं, वो जैसे ही बैठा उसने कहा कि 70 साल से ये वाद्य यंत्र बजा रहा हूँ आज तक सीख नहीं पाया। तो जो मैं 5 साल के बच्चे को लेकर गया हूँ ये बताकर समझाकर कि बेटा ये हमारा म्यूजिक है असली, ये सुनना सीखना चाहिए हमें, समझना चाहिए हमें, क्या मैं उस बच्चे को डरा रहा हूँ या मैं उस बच्चे को ये कह रहा हूँ कि तुम जाओ ये तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, जब मैं 70 साल से मैं नहीं समझ पाया तो तुम क्या समझोगे? ये क्या चीज है, ये मॉडेस्टी है, ये क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसके दो पहलू हैं। एक तो आपको स्टेज पे ज्यादा बकना नहीं चाहिए, आप वो बजाने आए हो बजा के जाओ, हमको मत समझाओ कितने साल से बजा रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। 70 साल से बजा रहे हो आप 80-90 साल के, तो बात क्यों करते हैं? नंबर वन। नंबर टू, 5 साल के बच्चे को आप प्रोग्राम पे ले ही मत जाओ। अगर खानदानी है जो 24 घंटे घर पे सुनता है म्यूजिक, वो एक दिन खुद बोलेगा है घोसा सा ये सुना, भजन सुना, ये सुना, उसका खुद मन होए कभी तो ठीक है। आप प्लीज़ अपने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दो, सी दैट दे आर स्टडिंग वेल, वो ज़रूरी चीज़ है उस उम्र पर, सी दैट दे स्पेंड टाइम डूइंग स्पोर्ट्स, कंप्यूटर में बैठ के नहीं, बच्चों को टेलीफोन दे दिया अरे बोर हो रहा है चलो ये दे दो, या तंग कर रहा है टेलीफोन, नहीं तंग कर रहा है बच्चा तो उसको फ़ोन दे दिया तो उसको आदत पड़ गई, इट्स योर फॉल्ट, आप में कमी है। आप ये बच्चों को ज़बरदस्ती मत करो, मैं जवानों को ज़बरदस्ती नहीं करने का, कोई कहता है भाई वाह हमारी जवान पीढ़ी है वो डिस्को जा रही है तो ऐसे तो आप भी तो जा रहे हो, ओ जिसको जो करना है करने दो, लेट देम डू दिस। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप, ये म्यूज़िक है दुनिया के लोग जो अपने सरल नॉर्मल जिंदगी से कुछ ज़्यादा चाहते हैं वो इसको सुनते हैं, वो इसके पास आते हैं, आपको इसके पास आना पड़ेगा, ये आपके पास नहीं जाएगा। क्लासिकल म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स विल नॉट गो टू यू, पेंटिंग, डांस, शायरी नहीं, आपको आना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि आप जाके जश्न रेखता में बैठिए, 5,000 आदमी सामने बैठे उसमें 3,000 आदमी 25 साल से कम हैं, आप ज़बरदस्ती लाएँ उनको, नहीं। वेट, अगर आपका बच्चे ज़िंदगी में क्लासिकल नहीं सुनेगा तो रहने दीजिए, मगर धीरे 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 आप सुनिए, वो एक दिन हो सकता है खुद, पहले वो आया क्या लगा रखा है बाबा,
कोई आना जिसको बेकार से बेकार गाना लगा दो एफएम में, 1,00,000 दफ़ा बजा दो, वही इंसान गुनगुनाने लगता है। चलने दीजिए, आप सुनिए, आप मज़ा लीजिए। योर चाइल्ड जो ज़रूरी है, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, अच्छा इंसान बनना, पोलाइट बनना, ये ज़रूरी है। म्यूज़िक आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उस्ताद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमसे बातचीत की और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप लोग वक्त देते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा इस बहाने मुलाकात हो जाती है। बहुत बहुत आभारी है राग गिरी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद।